हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लोअर बैक पेन के बारे में। तो आज की वीडियो लोअर बैक पेन पे है और मैं आपको सिर्फ बात ही नहीं, मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लोअर बैक से सारा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। जनरली होता क्या है कि हमारा स्केड्यूल ऐसा होता है कि हम चेयर पे बहुत देर तक बैठे हैं या फिर हम ड्राइव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इस तरह के रीजंस की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, हमारे लोअर बैक में पेन होने लगता है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीना, दो महीना, चार महीने, सालों साल तक वो इसी के साथ जीते रहते हैं एंड दे थिंक कि अरे तो बॉडी का पार्ट ही हो गया, बट ऐसा नहीं होता। देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग्स एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके लोअर बैक से सारा पेन हटाने में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ स्ट्रेचिंग्स के बारे में कि वो कौन कौन सी स्ट्रेचिंग है, कि आप इस वीडियो को देखते हुए भी साथ साथ करोगे तो आपको राइट अवे वो रिलैक्सेशन फील होगा अपनी बैक में। तो मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी पुरानी वीडियोज आप तक आ सके, नई वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। या वन मोर थिंग इज हियर, ये स्ट्रेचिंग कब करनी है और कब नहीं करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड, लेट्स राइट अवे स्टार्ट विद द स्ट्रेचिंग्स। Thank you.
फुट स्ट्रेचेस जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लोअर बैक से सारा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एंड टू मेक यू फील बेटर। वेल, अब बात करते हैं कि हमें ये स्ट्रेचिंग कब करनी है और कब नहीं करनी है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इज कि व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, आप जब सुबह सोकर उठ रहे हो, सो व्हेन यू आर लीविंग योर बेड, उससे पहले ही आपकी आंखें खुली, ओके, आपकी नींद खुल चुकी है, सो द बेस्ट थिंग इज टू स्ट्रेच राइट अवे ऑन योर बेड ओनली। आप अपने बेड पे ही स्ट्रेचिंग को स्टार्ट करो, लेकिन उसमें जरूरी चीज क्या है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपको पुल नहीं करना है, ओके, यू हैव टू स्ट्रेच क्वाइट इजीली, बहुत रिलैक्स्ड होके। मैं चाहता हूं कि आप कल से ही स्टार्ट करें, ठीक है, आप जब भी सोकर उठे राइट अवे स्टार्ट स्ट्रेचिंग, बहुत ज्यादा पुल नहीं करना है, बहुत इजी स्ट्रेचिंग करनी है मॉर्निंग के टाइम पे, ओके। उसके बाद आप इसको अपने वर्कआउट से पहले भी कर सकते हैं, ओके, वर्कआउट के बाद भी कर सकते हैं, आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं, आप इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जब भी ये स्ट्रेचिंग करें आपके स्टमक में कुछ हैवी फूड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत कुछ खाया है देन यू आर स्ट्रेचिंग योर ग्लूट्स एंड योर स्पाइन, तो वो अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान है, बट स्टिल इट इज नॉट गुड, ओके। सो आई विश यू ऑल अ वेरी फ्लेक्सिबल लोअर बैक एंड ग्लूट्स, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हो कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोअर बैक पेन से डील कर रहे हो तो आई वुड से कि स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे, इस वीडियो को आप डेली भी कर सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर, आई विल सी यू अनदर वीडियो वेरी सून, थैंक यू।